हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2.70 करोड़ आबादी है। अब 2.70 या 80 लाख आबादी हमारी पुलिस कितनी है? मानेसर की वीडियो देखी है, वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है। मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफी बुरी तरह से ध्वस्त है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए, मदद करेंगे, तैयार से मदद करने के लिए। अब वो चूंकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है, कोई इनपुट हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। दंगा का भड़कना और इसका गुड़गांव में अन्य क्षेत्रों में बिना रोक टोक फैल जाना, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। हरियाणा के नूह में सोमवार को हुई दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। नूह में आज भी कर्फ्यू जारी है। उपद्रव को देखते हुए जिला उपायुक्त प्रशांत पवार ने धारा 144 लागू की है। 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। मामले में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। वीप, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन की तरफ से नूह में 31 जुलाई तक सोमवार को निकाली गई जलाभिषेक यात्रा पर हमले और इसके बाद फैली हिंसा की आग से दक्षिण हरियाणा उबर नहीं पा रहा है। हालांकि दो दिनों से पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच नूह में शांति है। यहां बुधवार को कर्फ्यू में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक ढील दी गई, लेकिन गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में हिंसा की छुटपुट घटनाएं जारी हैं। नूह हिंसा में अब तक 139 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 90 अन्य संदिग्ध अभी पुलिस की हिरासत में हैं। राजस्थान और हरियाणा सरकार में के एक दूसरे पर तमाम सवाल खड़े कर रही हैं और अब देखा जा रहा है कि लोग डर की वजह से पलायन भी करने लगे हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि नूह में हिंसा होने के बाद वहां पर हालात हैं वो ठीक नहीं है और हर लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री, जरा आपको सुनाते हैं। और सोशल मीडिया ने क्योंकि इस नूह वाले हादसे में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, तो उसके लिए भी मैंने 3 सदस्यीय समिति बना दी जो 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक और उसके आगे तक हर सोशल मीडिया को स्कैन करेगी, हर फेसबुक को, ट्विटर को और व्हाट्सएप को स्कैन करेगी। अगर कहीं पर भी किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही मैं हरियाणा के लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोई पोस्ट मत डालिए, किसी को अंधाधुंध फॉरवर्ड मत करिए। आप ये जानिए कि हम उस पर निगाह रखे हुए हैं। हमने पहले शांति बहाल करनी है, अपने प्रदेश में शांति स्थापित करनी है, ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कार्य बनता है। लेकिन अभी नहीं है, अभी तो शांति बहाल करनी है। आप लोग भी अपने तरीकों से, आप अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से शांति बहाल करने में योगदान दें, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। राजनीति करने का जब समय आएगा तो हम और आप करेंगे ना जी, राजनीति करेंगे। तो लगातार ये देखा जा रहा है नूह हिंसा के बाद वहां पर जो लोग हैं वो डर की वजह से पलायन करने लगे हैं और लगातार सवाल उठ रहे हैं कि मामन खान पर क्यों है कांग्रेस, कांग्रेस कोई जवाब क्यों नहीं देती। जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पूरे प्रदेश 2 करोड़ 80
लाख से ज्यादा की आबादी को हम सुरक्षा पुलिस नहीं लगा सकते, इस पर भी तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार राजनीति हो रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है, बीजेपी अपनी बात कह रही है, और लगातार ये देखा जा रहा है कि वहां पर अभी हालात सामान्य नहीं है, इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है और देखा जा रहा है कि धारा 144 लगा दी गई है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच हो रही है। तो नू हिंसा के आरोपों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, किसने इस घटना को अंजाम दिया, कौन इसके पीछे था, लगातार जिस प्रकार से देखा जाए पत्थरबाजी, लाठियां, डंडे भांजे गए, ये लोग पहले से आ रखे थे, तो प्रशासन को इसकी खबर क्यों नहीं लगी, और अगर प्रशासन को खबर इसकी लगी तो उनका तो क्यों लचर रवैया देखने को मिला। ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या दंगाइयों का कोई धर्म होता है, हिंदू मुस्लिम, ये तमाम तरह की बात राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, इस दंगा करवाने के पीछे आखिर हाथ किसका है, ये भी बात निकल कर आ रही है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हैं इस घटना के पीछे, और नफरत के कितने किरदार हैं, ये भी कहा जा रहा है सरकार सोती रही, सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की, क्या ये माना जाए कि सिस्टम उनका फेल है। तो राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं और लगातार ये देखा जा रहा है कि नू धनकता जा रहा है और इसमें कई गाड़ियों में आग लगा देगी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अभी इलाकों में हालात सामान्य नहीं है, हालांकि घटना नहीं हुई है लेकिन फिर भी लोग सहे हुए हैं, सदमे में हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है, सेंट्रल की फोर्स लगाई गई है जिससे अप्रिय घटना को रोका जा सके। तो लगातार ये देखा जा रहा है नू में हुई हिंसा के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, अब इस पर राजनीति भी होने लगी है। राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार एक दूसरे पर सवाल उठा रही है, राजस्थान सरकार कह रही है कि हरियाणा सरकार नासिर जुनैद को पकड़ने में कोई मदद नहीं कर रही है, राजस्थान में मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, इस वजह से दंगे हुए, तमाम ऐसे वार पलटवार कर रही है हरियाणा की खट्टर सरकार, गृहमंत्री अनिल विज पर तमाम विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सवाल यह कि मामन खान पर क्यों चुप है कांग्रेस, कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार से बयान देते उसके बाद कांग्रेस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, मौनू को क्यों बचा रही है खट्टर सरकार, ये बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं, जिस प्रकार से देखा गया कि सोशल मीडिया पर पहले से इस प्रकार के वीडियो आ गए थे, अगर इस प्रकार के वीडियो आ गए थे तो सरकार ने इंतजाम क्यों नहीं किए, और हर प्रदेश में इस प्रकार की धार्मिक यात्राएं निकाली जाती हैं, तो वहां पर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर कोई घटना नहीं होती क्योंकि कहा जाता है कि वहां का सिस्टम ठीक है, तो क्या ये माना जाए हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को ठीक होने की जरूरत है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले ही चिट्ठी दे दी गई थी कि यहां से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसके बाद भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ पंकज त्यागी, नेता बीजेपी के, हमारे साथ अनिल शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के, और हमारे साथ आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, राजस्थान सरकार कह रही है कि आप बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हरियाणा सरकार नासिर जुनैद को पकड़ने में कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई मदद नहीं कर रही है, और लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये माना जाए हरियाणा सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, इस वजह से मुद्दे, इस वजह से ये दंगे हुए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये झूठी जो कांग्रेस पार्टी है, झूठी जो इनकी सरकार है, इनके द्वारा ही दंगा कराया गया है, इन्हें शर्म नहीं आती, ये किसी के नहीं है, ना ये मुस्लिम भाइयों के, ना ये हिंदू भाइयों के, ये किसी के नहीं है, ये दंगा पूरा का पूरा जो है दंगा,
ये पूरी तरीके से राजस्थान सरकार द्वारा कांग्रेस द्वारा करवाया गया है और इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए कि तुम लोगों को मार रहे हो, जिंदा जला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती इस बात के लिए? कहाँ जाओगे तुम लोग, कहाँ जाओगे? अरे तुमने 70 साल राज कर लिया, क्या कर दिया भारत देश का, नाश करके रख दिया। तुमने कभी मुस्लिम को ऊपर तक नहीं आने दिया और तुम मुस्लिम की बात करते हो। राहुल गांधी खुद मुस्लिम है, पूछो राहुल गांधी का डीएनए क्या है। इन्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, इन्हें बिल्कुल भी। और क्या नाम है, ये बैठ जाते हैं क्या नाम है, कभी इस पे जंतर मंतर पे, कभी उस पे, केवल ड्रामा दिखाने के लिए। मैं आज तक आपसे ये पूछता हूँ कि ये कितने लोगों के घरों में चले गए जिनके साथ दुर्घटनाएं घटी हैं, इनसे पूछ के बताइए आप मुझे इस बात को। लेकिन पंकज जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस प्रकार की घटनाओं को कराया है, तो आपकी सरकार ने इंतजाम क्यों नहीं किया सुरक्षा के, 6 महीने पहले अटक दिया गया था? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारी क्या नाम है, घटना एकदम घटी है। एकदम नहीं घटी है सर, 6 महीने पहले लेटर दिया, जिस जगह से जुलूस और यात्रा निकाली जाती है पंकज जी। तो जुलूस यात्रा को हम लड़ाई में तो नहीं निकाल रहे, अब ये लोग लड़ाई पैदा कर दें उसमें। सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? नहीं, आप एक बार ये आप क्या कैसी बात कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में होती है, एक भी अगर दंगा हो जाए तो बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि आदरणीय योगी जी वाला मॉडल पूरे देश के मुख्यमंत्री को अपनाना चाहिए, लेकिन ये चौहान जैसे, राजस्थान के लोग जैसे, ये लोग जब करेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इनके पास आज कोई वजूद नहीं बचा, इनकी पार्टी नहीं बची, क्या क्या कहेंगे आप इन्हें? तो आप ये नहीं मानेंगे सर, आप ये नहीं मानेंगे कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे सर? सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं। पंकज जी कैसी बातें आप कर रहे हैं सर, सरकार की जिम्मेदारी नहीं। पहले मेरी प्यारे भाई मेरी बात सुनिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल होती है। आप कहीं निकले जा रहे हैं, ठीक है, आप एक आदमी एकदम हमला कर दे, आप किसे दोषी मानेंगे? एक नहीं सर, कई लोग थे, पहले से तैयारियां की गई, भनक क्यों नहीं लगी, इतने वीडियोस पहले से जारी हो गए, ये सवाल, तमाम सवाल सर आपके ऊपर उठ रहे हैं, आप पलड़ा नहीं झाड़ सकते सर। देखिए कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि राज्य सरकार का लचर रवैया, सुरक्षा व्यवस्था में कमी रही। चलो चलो, मैंने ये भी मान लिया, आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन इन कांग्रेसियों को क्या कहोगे जो मेवातियों को अपने आप पाल रहे, इनको उनको क्या कहेंगे ये लोग? वो जो गंदे मुस्लिम है उनको पाल रहे ये लोग, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? चलो खट्टर सरकार, हम सब तो फेल हो गए, इन्होंने जो पाल रखे ठीक है, उनका क्या कहेंगे जो ये मुस्लिम लोग, इन्होंने मेवाती पाल रखे, इनके बारे में मैं जवाब लेता हूँ, मैं जवाब लेता हूँ अनिल शर्मा जी से। जवाब लीजिए अनिल शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े प्रवक्ता कांग्रेस के, अनिल शर्मा जी आवाज मिल रही है सर जी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पंकज त्यागी जी ने तमाम सवाल आपके ऊपर दागे, उनका कहना है जो दंगाए हुए वो आपने कराए हैं। सुनील जी, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल त्यागी जी ने किया है, यह शर्मनाक है, जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, कांग्रेस को जिस प्रकार ये आरोप लगा रहे हैं, सब आपको सुन लीजिए, बात कर रहे हैं ना, बताइए, राहुल गांधी का डीएनए मुस्लिम है? हाँ, देखा कभी डीएनए? क्या जानते हैं आप राहुल गांधी कौन थे? क्या जानते हैं आप? आप सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए। पंकज जी आपके पास आएंगे आपको पूरी बात बताएंगे। पंकज जी आपके पास आएंगे सर, दंगे के लिए उतना संतोषी नहीं था, दंगा हर करने का काम आप करते हैं। बताओ मुझे, फिरोजवादी कौन थे, मुस्लिम थे या नहीं थे? आतंकवादी की बातें करते हैं। ठीक है पंकज जी आपके पास आएंगे सर, सुनना नहीं चाहते बिल्कुल। तुम्हारी पार्टी आतंकवादी है, उग्रवादी है तुम्हारी पार्टी, चोर कहेंगे। अरे बताओ मुझे से बात कीजिए यार, तमीज नहीं। देखिए इस मंच पर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए, डिबेट कीजिए। मैंने क्या कहा कि राहुल गांधी का डीएनए लाओ, उसका डीएनए मुस्लिम है। फिरोज गांधी को तुमने देखा है कभी, सुना है? फिरोज गांधी को मुसलमानों को शर्म नहीं आती तुम लोगों को?
सबसे बड़ा कहानी चाहिए, सरकार आपकी पूरी तरह फेल हो चुकी है चारों तरफ से। मणिपुर चल रहा है, हरियाणा चल रहा है, चारों तरफ फैलाना चाहते हैं। जैसे तुम्हारे नाता है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के रफ की जीत नहीं होती है। मेरे को सभी चीज कर आइए, चार नंबर पर बात करने की। आलिन जी आते हैं आप लोग, अरे अपने कंठी माला बजा डालने के बोले संत ना हो गए। वो पंजाब नहीं बात कर रहे थे आपको, है शर्म नहीं आती पंजाब का? आपको नहीं आती बात सुनना नहीं चाहते? क्यों नहीं सुनना? बात नहीं सुनना चाहते? तुम्हारे पे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, सुन लिया साहब? तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं बचा है, तुम्हारी सरकार पूरी तरह फेल है। अरे चल फेल तुम्हारी सरकार है, जब भी तो बगे हो, फेल तुम्हारी सरकार है, गंगा तुम्हारी सरकार हो रही है तुम्हें। अरे वो मणिपुर हो, अरे पाकिस्तान की लोगों ने हर जगह से निकाल दिया, तू सुपर ठीक है, आपको निकाल दिया है पब्लिक ने, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। वो मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, अपनी लड़की को घर में साहे पहले पहली बात तो पहले पहले बात तो सुनो, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो चुकी है, सही मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, फिर वाटर टोकते हैं। अब संकट में बात करने का है, अरे वाटर पंकज जी एक सेकंड सर, पंकज जी देखिए मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका। पंकज जी ऐसे नहीं डिबेट होगी सर, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा एक एक करके सर, ऐसे नहीं जी। अनिल जी स्टार्ट कीजिए सर आप। इन्होंने दो तीन बातें कही, राजस्थान सरकार और कांग्रेस सरकार दंगा करा रही है, और कांग्रेस सरकार कांग्रेस लोगों को डूब मरना चाहिए। पहली बात, नू में जो दंगा भड़का उसकी 8-10 दिन पहले सीबीआई द्वारा रिपोर्ट कर दी गई सरकार को, पुलिस प्रशासन को पूरी सूचना थी और पूरी सरकार को सूचना, इसके बावजूद भी वहां व्यवस्था नहीं बनाई गई। पुलिस प्रशासन से सरकार पूरी तरह फेल, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है, और वहां पर इनके बजरंग दल के लोग जिस प्रकार से चुनौती मानन खान को क्यों नहीं गिरफ्तार करती आपकी सरकार, राजस्थान सरकार मानन खान को क्यों नहीं गिरफ्तार करती है? अनिल शर्मा जी, जी जिस प्रकार के स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मानन खान को क्यों नहीं गिरफ्तार करती आपकी सरकार? सामने महात्मा क्या क्या क्यों बयान दिया है? दमाद है इनकी पार्टी का, दमाद है वो। एक सेकंड सर, एक एक करके इनकी पार्टी का दमाद है, तरीका इनका बात करने के, इनकी पार्टी के दमाद है, उनकी पार्टी का, आप किसके दमाद हो? मुसलमानों को दमादार बना रहे हो, आपकी पार्टी बना रही है, आप आते कर रहे हो। आ गई ना, आ गई ना, आपके बड़े नेताओं का दमाद था मुसलमान, मुसलमानों की आ गई ना बात, आ गई ना मुसलमानों को दमादार बनाओ, आरोप आप पर लगाओ, तुमने दमादों की तरह गोद में बैठा रखा उसे, सामने लाओ, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मैं आपके पास आऊंगा पंकज जी, ऐसे नहीं डिबेट सर, ऐसे देखो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपकी ऑडियो डाउन करूं किसी की। बारी बारी से अपना, बारी बारी से अपनी बात रखिए सर, बारी बारी से अपनी बात रखिए, इनको बोलने की तहजीब नहीं। ठीक है, ठीक है जी, बात को नहीं होगी। अरे सर, अरे सर, ठीक है, ठीक है पंकज जी, ठीक है। अनिल शर्मा जी जल्दी से, फिर मुझे अशोक यादव जी के पास जाना है सर, मेरे और गेस्ट है सर। अरे भाई अनिल जी, मानन खान को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही जिस प्रकार से विधानसभा में स्टेटमेंट देने के बाद? अभी तक सरकार ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया? क्या स्टेटमेंट दिया आपके विधायक ने? स्टेटमेंट दिया आपको पता ही नहीं सर? नहीं जी बताइए ना क्या दिया है ऐसा? तमाम तरह के हिंसा भड़काने को लेकर उन्होंने कहा, सो रहे होंगे जी? नहीं, कांग्रेस ने कोई हिंसा भड़काने की बात नहीं की, सामने से बैठाने की। अरे सर क्या बात करते हैं सर, क्या बात करते हैं, एंकर साहब तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे। एक सेकंड सर, एक सेकंड पंकज जी, मैं आपको जो मौका दूंगा तो आपके पास आएंगे सर, आप एक एक करके, मुझे ऐसे समझ में नहीं आता कौन क्या बोल गया, एक दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे। ये तो आपको भी झूठ बोल झूठा साबित कर रहे हैं। ठीक है, जनता देख रही है कौन झूठा कौन सच सर, कोई सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए सर, कोई सर्टिफिकेट, दर्शक देख रहे हैं सर। अनिल विज जी, अनिल जी जी हाँ, जल्दी से अपना पक्ष में अशोक जी के पास जाऊंगा सर। देखिए कांग्रेस शांति व्यवस्था चाहती है हर जगह, कांग्रेस कहीं दंगा नहीं चाहती, दंगा लगाने का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाना बहुत बेबुनियाद है, गलत है। अपनी जिम्मेदारियों से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, और अगर कांग्रेस विधायक ने कुछ गलत कहा भी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें, क्यों नहीं करती? बिल्कुल ठीक, ये सरकार की जिम्मेदारी क्या हमारी जिम्मेदारी है? इससे तो बोला भी नहीं जा रहा हमारे, गृह मंत्री गलत बयानी कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं, इनके नेता खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कार्रवाई नहीं,
भारतीय जनता पार्टी का लैंड ऑर्डर फेल हो चुका है पूरी तरह से। आप कहीं भी देख लीजिए, शांति व्यवस्था कायम करने वाली पोजिशन होनी चाहिए आज। अपने घर की बात करो, तुम्हारे घर में आग लगी हुई है सचिन, घर में तुम्हारी आग लगी है यार, क्यों परेशान हो जाता। अरे जो भारतीय जनता पार्टी का झोला लेके चलने का वक्त आ गया, परेशान होने गए दंगे ना बरकाओ, शांति व्यवस्था रहने को इस देश में, पहले अपनी पार्टी को तो समझा लो। तुम्हारे तो सचिन पायलट और वहाँ के सीएम गहलोत लड़ रहे हैं। मणिपुर को जल रहा है, मणिपुर में तुम्हारा मुख्यमंत्री तो फेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री तो फेल, कुली हम कहते हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, व्यवस्था नहीं संभाल सकते। अभी मणिपुर से नहीं संभाल सकते व्यवस्था, तो इस्तीफा दीजिए ना, सच सच निकल के आएगा और ऐसी होगा ये इलाज उनका कि तुम्हारी पार्टी भूल जाएगी दंगे करवाने, याद रखना। क्या यार कैसे आदमी बैठे हो तुम, यार तुम्हें बात करने का लहजा नहीं तुम्हारा, ऐसी बात आएगी तब इलाज की बात क्या पता नहीं, ये सारी भाषा हम भी जानते हैं जैसे तुम भाषा कर रही हो। कैसे ये भगवा पहनने से बड़े संतना हो जाओगे तुम। अरे जी पहले मेरे बात भाषा का ठीक रखिए, नेता अगर भगवा की बात करी तो नंगा कर दूंगा यही, सुना। अरे कर दिया नंगा बन के। अरे सर एक सेकंड सर प्लीज, पर्सनली मत जाइए कोई किसी पर नहीं, देखिए जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं, टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं, उस मुद्दे पर आइए प्लीज, जिस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हो उस पर बात कीजिए, उधर उधर की बात मत कीजिए। अशोक जी आपके पास आता हूं, अशोक जी आवाज मिल रही है सर? जी जी मिल रही है। अशोक जी बताया जाता है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए ये दंगे करवाए जा रहे हैं, एक तरफ राजस्थान की बात होती है कांग्रेस की, एक तरफ बात होती है हरियाणा की जहां पर बीजेपी है। देखिए सुनील जी, आप देखेंगे कि 48 आवर्स के अंदर तीन बड़ी वारदातें इस देश में होती है, अन्य राज्यों में अलग अलग राज्यों में। पहली वारदात होती है आप देखेंगे कि मेरठ में होती है, जहां पे कांवड़ियों के द्वारा और इस तरह का उत्पात मचाया जाता है और इस तरह की बातें होती है, वहां SSP को हटा दिया जाता है। दूसरी वारदात होती है ट्रेन में होती है, जयपुर और मुंबई के बीच जो ट्रेन चल रही है उसमें चेतन सिंह नाम का कांस्टेबल जो है RPF जवान जो है अपने सीनियर को गोली मारता है और टारगेट करके एक विशेष धर्म के तीन लोगों को गोली मारता है। तीसरी वारदात होती है हरियाणा में नूह में। तो ये सारी चीजें एक प्रायोजित चीजें हो रही हैं। आप अगर इसके पीछे जाएंगे और इसकी गहराई में जाएंगे तो ये चीजें प्रायोजित हैं और ये चीजें प्रायोजित कौन करवा रहा है? दंगे से लाभ इस देश में किस पार्टी को मिलता है सुनील जी? इस देश की जनता को सोचने की जरूरत है कि दंगा होने से उस दंगे का लाभ कौन पार्टी उठाती है? देखिए एक सेकंड अशोक जी, मैं आपको बताऊं, दंगा करने वाला कोई मजहब नहीं होता कि वो किस समुदाय से, किस दंगा करने वाला दंगा करने वाला होता है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे हम इस नजर से ना देखें कि वो समुदाय का है। तुम करके दिखा दो, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तुम दंगा करके दिखा दो, दंगा होने से किस पार्टी को लाभ मिलता है? वो पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी, अपना इलाज के लिए दंगा करवाने काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अरे देखिए पुलवामा जैसी घटना होती है सुनील जी, और माननीय मोदी जी उन शहीदों के शवों का फोटो लगा के वोट मांगने का काम शुरू कर दिए अगले दिन, तो एक युद्धों वाला काम भारतीय जनता पार्टी करती है, लाखों का बचा है भारतीय जनता पार्टी। अरे तुमने लाखों का राजनीति करने वाला भारतीय जनता पार्टी को नीचे राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। पूरे देश को दंगे की आग में झोंक के ये 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता जान गई है कि इनके 9 साल कार्यकाल में देश की जनता क्या पूरा रिपोर्ट कार्ड का जीरो है और इनके पास एक ही काम बचा है, देश की जनता को दंगे में झोंक कर देश में सांप्रदायिक दंगा करवा के चुनाव जीता जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। और देश की जनता को विपक्ष जो है, जो भी इंडिया गठबंधन है, वो गठबंधन देश की जनता को समझाने का काम करेगा। आप दंगे की जाल आप जो वादे माननीय मोदी जी ने किए थे उन वादों के बारे में क्या हुआ? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारे अपने वादों को, सारे देश के विकास संबंधित कामों को बिल्कुल डिरेल करके सिर्फ दंगा करा करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। तो अपना बना लो सुनील जी, मेरा एक आपसे विशेष निवेदन है कि कृपया यहाँ पे इंटेलेक्चुअल स्पोक्स पर्सन को बुलाया जाए,
ये पागल टाइप के इंसान को न बुलाया जाए। पागल होगा से निवेदन किया था, किसी निवेदन पागल होगा तू, ये आदमी पागल टाइप का आदमी है, पागल बोलने का ढंग। अरे सर अशोक जी, गाली जी, प्लीज प्लीज प्लीज, इस तरह से नहीं, नहीं इस तरह की आप टिप्पणी मत कीजिए किसी पे, अपने अपने पक्ष पर बात रखिए। देखिए शब्दों का थोड़ा ध्यान रखिए, हर किसी से रिक्वेस्ट ही है अपनी बात रखिए और बीच में आप लोग इंटरवीन मत कीजिए। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, दर्शक देख रहे होंगे बहुत ठीक मैसेज नहीं जाता, आराम से एक एक करके। ठीक है आरबी उठवाल जी, आरबी उपाध्याय जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है, ठीक है ठीक है। अशोक जी आपके पास आएंगे, अशोक जी आपके पास आएंगे, पंकज जी आपके पास भी आएंगे, ठीक है सर, ठीक है आपके पास आएंगे। आरबी उपाध्याय जी, जिस प्रकार से आपने सुना होगा सभी लोगों को, पंकज को, पंकज जी को भी सुना होगा आपने, अशोक जी को भी सुना होगा, अनिल शर्मा जी को भी सुना होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या कहना चाहेंगे नू की घटना पर। और जिस प्रकार से देखा जाए लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने घटना कराई, बीजेपी का सिस्टम फेल था। देखिए किसी ने भी कराई हो, हिंसा तो हुई है और जान माल की सुरक्षा का दायित्व किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। रहा अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे भी कांवड़िया, कांवड़ियों ने वहां पर मेरठ में वो किया, तो आपको सिर्फ कांवड़ वाले आतंकवादी नजर आते हैं और ये जो शोभा यात्रा निकालते हैं ये सब आतंकवादी होते हैं, बाकी सब साधु संत होते हैं। तो इस तरह के आरोप, अनर्गल आरोप न लगाए जाएं, इस तरह के अनर्गल आरोप से एक वर्ग को आप ताप सकते हैं लेकिन दूसरा वर्ग आहत भी होता है और वोट सभी वर्ग करते हैं, कोई एक वर्ग नहीं करता। आप ये सोचें कि एक वर्ग विशेष के वोट से आप जीत जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे, उसकी संभावनाएं नगण्य होती हैं। हाँ ये आप कह सकते हैं कि भी जो भी वहां घटना घटी है वो निंदनीय है, चिंतनीय है और राज्य सरकार की नाकामयाबी है, इसे कहने में कोई गुरेज नहीं। राज त्यागी जी भगवा वस्त्र पहने हुए तो भगवा का सम्मान करना सीखिए। इस देश में भगवा का अपमान करके कोई ये सोचे कि सत्ता में आ जाए वो संभव नहीं है। भी कांवड़ियों का अपमान करेंगे, भगवा का अपमान करेंगे, मैं मानता हूं वे त्यागी जी की भाषा और शब्द मर्यादित नहीं थे लेकिन हमें अपनी मर्यादा में रहना है, डिबेट का जो कोरम है वो मेंटेन करना चाहिए। पत्रकारों को कोई लेना देना नहीं, आपकी सरकार बने उनकी सरकार कोई हो निरप हमें क्या हानि, भी आप सरकार बना ले, जनता आपको चुन दे किसी और को चुन दे, वो जनता की अदालत फैसला करती है। हम लोग टीवी चैनल पर बैठ के ना पत्रकार किसी की सरकार बनाते हैं ना किसी की सरकार गिराते हैं, गिराती भी सरकार जनता ही और बनाती भी सरकार जनता ही। और ये जो हो रहा है चाहे वो मेरठ में हो रहा है चाहे वो नूह में हो रहा है ये देश के लिए घातक है, सभी राजनीतिक दलों को समझना होगा। भाईचारा एकता सौहार्द रहेगा तो देश उन्नति करेगा आगे बढ़ेगा, और इस तरह की मारकाट और दंगे होते रहेंगे तो ये देश के लिए भी और समाज के लिए भी और किसी भी राज्य के लिए अच्छा नहीं है। राजनीति करिए, राजनीति के बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, बिजली है, सड़क है, लेकिन जो गलत है उसकी निंदा करिए, तरह तरह से किसी दूसरे समुदाय का पक्ष लेने के लिए दूसरे समुदाय को आहत किया जाए वो अच्छा नहीं लगता है। हिंसा किसी भी सभ्य समाज में कोई स्थान हिंसा का नहीं होता है, लोकतंत्र में तो बेसिकली बिल्कुल नहीं होता है, और ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए सरकारों को। अगर सरकारें सख्ती करेंगी तो आगे से किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी वो इस तरह के दंगे करे, इस तरीके से गोलियां चलाए, फरसे चलाए, मारे, काटे। और फिर दूसरा जो विचारणीय प्रश्न है वो ये है कि ये शोभा यात्राएं हिंदुस्तान में नहीं निकलेंगी तो कहां निकलेंगी? एक ही तो देश है हिंदुओं के लिए, और तो कोई दूसरा देश यात्रा निकालने नहीं देगा, पूजा करने नहीं देगा। जब ताजिया निकलते हैं तब हिंदू तो पत्थरबाजी नहीं करता, मुझे बता दें किसी ताजिए पर किसी हिंदू समाज ने कभी कोई पत्थरबाजी या आगजनी या उस तरह की घटना को अंजाम दिया हो? तो हिंदुओं के ऊपर ही क्यों होता है सब कुछ? ये विचार करने का प्रश्न है और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर किसने किया अत्याचार? कश्मीरी पंडित आतंकवादी थे, वो शांति के साथ वहां रह रहे थे, उनके साथ जो घटित हुआ आप क्या नाम देंगे, क्या परिभाषित किस तरह परिभाषित करेंगे उसको?
और आज भी वो विस्थापित जीवन जी रहे हैं। हम सब लोग राजनीति जरूर कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की जान माल की सुरक्षा, वो भी संविधान का दायित्व तो था, सरकारों का दायित्व तो था। किसने दायित्व तो निभाया? आप सब राजनीति जरूर करेंगे, लेकिन इस तरह की हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। आप कितनी भी राजनीति करिए, ठीक है, इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, जिससे कि आइंदा किसी की हिम्मत न पड़े कि वो इस तरह का दुस्साहस कर पाए। ठीक है अशोक जी, सुना आपने, दंगाइयों का एक ही चरित्र होता है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए कि कावड़िए थे कि ऐसा था कि वैसा था। सर हाँ, अरे भगवान भोले पर जल चढ़ाने के लिए वो कितना, ठीक है मैं आऊंगा सर आपके पास, आऊंगा अशोक जी से। जी, दंगाइयों का समाज से बायकॉट होना चाहिए। दंगाइयों का आपने सही कहा, कोई धर्म नहीं होता, दंगाई जो भी है दंगाइयों के ऊपर सख्त सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर दंगा के पीछे, ये भी जांच करने की विषय है कि दंगा के पीछे है कौन, उस व्यक्ति को भी फाइंड आउट करके उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दंगे, देखिए सुनील जी, हम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसका सवाल जनता भी पूछ रही है कि चुनाव के आने से पहले ही दंगे क्यों शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है सुनील जी, ये चुनाव के आहत होते ही दंगे शुरू हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल जनता के बीच आना चाहिए, जनता के बीच हम लोग पूछ रहे हैं, सवाल जनता से ही पूछ रहे हैं कि चुनाव के पहले दंगे क्यों। मैं आप इस तरह देखेंगे जो दंगों पर आप देखेंगे, जिस तरह से ट्रेन में चेतन सिंह करके जो कांस्टेबल ने, उसका ब्रेन वॉश कैसे हुआ था, ठीक है, वो क्यों ऐसा काम किया, तो ये सब इसके पीछे जो है अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश क्या है? देश को दंगे में झुलसाने की साजिश है। ठीक है, दंगे से तो सारे, ठीक है ठीक है, उपाध्याय जल्दी से, फिर जल्दी से फिर मुझे जाना है पंकज जी के पास, अनिल जी के पास। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ था, वो दंगे किसने कराए थे? आज तक किसी ने कोई इंक्वायरी हुई उसकी? कोई एक्शन हुआ? राम मंदिर वालों पर गोलियां किसने चलवाई थी? ये नहीं पता होगा, इनसे पूछिए जो ऊपर बैठे, ये समाजवादी पार्टी वाले, की किसने गोली चलवाई थी? इन्हें शर्म नहीं आती? फिर हरिद्वार गए माफी मांगने, और जब राम मंदिर बना तो सबसे बड़े विरोधी ये थे, कांग्रेस थी, और ये आज उसी राम मंदिर में हाथ जोड़ने जा रहे हैं। शर्म करो बे, तुमने आज तक करा क्या है हम देश के लिए, तुम्हारी पार्टियों ने? त्यागी जी, भगवान राम सबके हैं, किसी सर, लेकिन इन्होंने नहीं है, लेकिन देखिए आप मेरे आदरणीय जितनी आपको बिल्कुल, भगवान को जाति के हिसाब से ना बांटा जाए, मजहब के हिसाब से ना बांटा जाए। कौन सा मेरी बात सुनिए, राम मंदिर पे गोली किसने चलवाई? ठीक है, जिसने चलवाई जनता जवाब देगी सर, सब सभी को पता है किसने चलवाई थी, सभी को पता है किसने चलवाई थी सर, ये गोली चलाए नहीं, उस समय तो राम इनके लिए कुछ थे नहीं, इन कांग्रेस के लिए थे नहीं, कश्मीर के पंडितों पे अत्याचार हुए तो इन दोनों ने कभी किसी को कुछ बोला? क्योंकि इनके दिमाग है, वो उग्रवादी इनके दिमाग है, ये दोनों पार्टी ये बदमाशों को पालते हैं, ये उग्रवादियों को पालते हैं। ठीक है अनिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास सर, खत्म हो गई आवाज, क्या भाषा बोलते हैं समझ नहीं आती, डिबेट के हिसाब से बात करनी चाहिए, इस तरह की बात करना सुना नहीं आता आराम से सर। पंकज जी प्लीज, ऐसे नहीं, मैं आपके पास सर आऊंगा, आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा, सबको मौका दूंगा। अनिल जी, जी सुनील जी, देखिए आतंकवादी का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, घर में आतंक फैला तो घर का आतंकवादी, शहर में आतंक फैला तो शहर का आतंकवादी, और देश में फैला तो देश का आतंकवादी, पर आतंकवादी किसी का सगा नहीं होता। जो पालते हो, अगर हमारे घर में हमारा ही अगर कोई भाई उद्दंड बना फैलाता है तो वो किसी से भी बदतमीजी कर सकता है, और वो किसी का कोई परिवार का होने के बावजूद भी अपना नहीं होता, ठीक है, तो आतंकवादी से किसी का कोई रिश्ता नहीं है। जो दंगा फैलाते हैं वो दंगाई है, उन पर कड़ी कार्रवाई प्रशासन द्वारा होनी चाहिए, और इसके लिए जिम्मेदारी बनती है जिसकी सत्ता हो वो सरकार, ना कि किसी बाहर की पार्टियों के। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए
सभी लोग अपील करते हैं, लेकिन वहां जब हरदत सिंह पहले LIU की रिपोर्ट, CBI की रिपोर्ट जब पहुंच जाती है शासन के पास कि यहाँ व्यवस्था ये हो रही है, दंगे की व्यवस्था बन रही है, तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था मौन क्यों, वहां व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जबकि अनेकों यात्राओं में इस तरह की व्यवस्था होती है, जब यात्राएं निकलती है तो वहां पुलिस प्रशासन की मुस्तैद व्यवस्था होती है, वहां कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था थी और लचर व्यवस्था की वजह से ये अव्यवस्था फैली। सरकार को चाहिए वह शांति व्यवस्था कायम करे, राजनीति बात की चीज है, और जो लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं मुझे नहीं लगता कि वो कम से कम इस आतंक को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है पंकज जी 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 जवाब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इन लोगों ने राजस्थान में मेवातियों को क्यों पना दे रखी है, पूछिए उनको, पेश क्यों नहीं करते पूछिए, जिहादियों को तू ये जिहादियों के खिलाफ कभी नहीं बोलते, कभी आपने सुना इन्होंने जिहादियों के खिलाफ बोला है, कभी भी इन्होंने आपने सुना है कि इन्होंने कश्मीरी पंडितों के प्रति उनके प्रति कुछ बोला है उनके लिए? ये पार्टी खत्म हो चुकी है, ये अपना जनाधार पूरा खो चुकी है, आज इनसे राजस्थान खुद नहीं संभल रहा यार, गहलोत जी में और सचिन पायलट में लड़ाई है, ये क्या हमारे खट्टर साहब को क्या उंगली उठाएंगे, पहले अपने को देखो। और दूसरी बात जो ये कहते हैं क्या नाम में सपा वाले, इन्होंने राम मंदिर पे गोली किसने चलवाई, इन्होंने, सबसे बड़े विरोधी कौन थे राम मंदिर बनाने के, इन्होंने, हमारी सरकार आई हमने राम मंदिर बना के दिखाया, आज वही हाथ जोड़ने जाते हैं, हाथ जोड़ना बुरा नहीं है, लेकिन उस दिन क्या कहते थे तब ये कि राम मंदिर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा, जब हमारा राम मंदिर है, हमारा वो है तो हमारा बनेगा। तो इन दोनों पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो चुका है, ये कांग्रेसी बैठे हैं, इनके यहाँ राहुल गांधी मुसलमान है, पहले सुन लीजिए, पूरी तरह फिरोज गांधी का बेटा है, मैं पूछना चाहता हूँ प्रियंका गांधी अपने बच्चों के पीछे वाड्रा क्यों नहीं लगाती, जवाब दीजिए क्यों नहीं लगाते, सत्य बोलो ना, सच बोलो, सच बोलने में क्या दिक्कत है, सच बोलो, धोखा देते आ रहे हैं ये मुसलमान भाइयों का भी धोखा देते आ रहे हैं लोग, इन्हें अपनी पार्टियों में कुछ नजर नहीं आता, ये समाजवादी पार्टी वाले मुलायम सिंह जी की इज्जत खराब करने में लग रहे हैं, जो इतने बड़े नेता थे, इतने बड़े लीडर थे, अपने आप में एक लेजेंड थे, उनकी पूरी इन्होंने बर्बाद कर दिया है उनके नाम को, इन्हें शर्म आनी चाहिए, कुछ नहीं, वो आज कल तक मुल्ला मुलायम कहते थे, अब ये उनकी तारीफ करने लगे, किसकी गजब भाई इनका चरित्र, हेलो, एक तो थोड़ा चुप रहो, मुलायम सिंह जी आदरणीय थे तो थे, सुना वो लीडर मुल्ला मुलायम आपकी पार्टी कहती थी, सुनिए बात करो ना, सुनो जिस तरह की बकवास तुम करते चले जा रहे हो ना, जवाब देना मैं जानता हूँ, चुपचाप तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ, सुनिए के परिवार की तरफ आप उंगली उठाओगे तो फिर आपकी तरफ उंगली उठेगी, कल तक हम मुल्ला मुलायम कहते थे, आज मुलायम आदरणीय मुलायम हो गए, चौहान साहब ये चरित्र है आपका, अरे चरित्र राहुल गांधी क्या मुसलमान है, राहुल गांधी मुसलमान है क्या, जानते हैं राहुल गांधी के बारे में, क्या इतिहास जानते हैं, पहले इतिहास जानिए, कौन झूठा आदमी एक नंबर का, क्या देख लेगा मुझे तू, तेरी तब से सुन रहा हूँ, तमीज से बात करिए, देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट में बार बार करता हूँ, प्लीज डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए, डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए, अपनी बातों को रखिए, मुद्दे पर बात कीजिए, अपनी गरिमा को बनाए रखिए, पर्सनली कोई किसी पर नहीं जाएगा, पर्सनली नहीं सर, ऐसे नहीं, देखो कितने लोग दर्शक आपको देख रहे हैं, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, ऐसे नहीं, डिबेट की मर्यादा भंग होती है, देखिए दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं पर्सनली नहीं जाइए, मुद्दे पर बात कीजिए, उपाध्याय जी ठीक है पंकज जी आपके पास आएंगे, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा, दोनों लोगों की ऑडियो डाउन कर दीजिए, सनातन धर्म से धर्म है, तुम धर्म की उपाध्याय जी आवाज आ रही है, बात करने का समय आ रही है,
उपाध्याय जी, सवाल मेरा इस बात को निकल कर आता है कि जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर ने कहा, जानते नहीं भगवा पहन के बात से कर रहा है, ठीक है सर, ठीक है, देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पर्सनली कोई किसी पर नहीं जाएगा, जिस मुद्दे पर डिबेट है, टॉपिक पर डिबेट है, उस पर बात कीजिए, कोई पर्सनली कौन क्या पहनना है इस पर प्लीज मत जाइए, जिस मुद्दे पर आपको आमंत्रित किया गया ऐसे डिबेट नहीं चलती सर, देखिए डिस्टर्बेंस होती है। उपाध्याय जी आवाज मिल रही है? मिल रही है। उपाध्याय जी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 2,80,00,000 हरियाणवी को हम सुरक्षा नहीं दे सकते, लेकिन सर जिस प्रकार से जहां से ये यात्रा निकाली गई उस यात्रा वाली जगह को सुरक्षा दी जा सकती थी सर ना, क्योंकि जहां से ये शोभा यात्राएं निकली वहां पर सुरक्षा इंतजाम काफी कड़े कर दिए जाते, मैंने कई इलाकों में देखा है सर। देखिए कड़े किए जाते हैं, बैरिकेडिंग की जाती है, यात्रा के साथ साथ सुरक्षा बल चलते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कोई उंगली उठा दे, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था लचर थी और उसी का परिणाम है, उसका फायदा दंगाइयों ने उठाया और वहां बिगड़ा किसी का कुछ नहीं, बिगड़ा जनता का ही, भी किसी नेता का, किसी नेता के बेटे का, किसी नेता के रिश्तेदार का, कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। और निर्दोष लोग जो आस्था थी उनकी वही लोग उसके शिकार हुए, और हमेशा बोला वाला सीधा साधा आदमी शिकार होता है, आम आदमी शिकार होता है, और वहां भी वही हुआ, अब जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी? ये मानते हैं उपाध्याय जी, ये मानते हैं कि देखिए हर पुलिस वाला हर किसी के पीछे नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वर्दी का इतना रौब और डर होता है ना सर कि उस वर्दी से हजारों लोग डरते हैं। देखिए वर्दी का ही खौफ होता है, कानून का खौफ होता है, बिल्कुल, अगर कानून का खौफ नहीं रहेगा तो एक दूसरे को एक दूसरा मार देगा, और जान माल की सुरक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है, लॉ एंड ऑर्डर, कोई एहसान नहीं है। खट्टर जी से नहीं हो पाता इस्तीफा दे दें, रिजाइन कर दें कि भाई मेरे बस का नहीं था मैं रिजाइन कर रहा हूं, वो भी नहीं करेंगे, कुर्सी पे भी रहेंगे, सुरक्षा भी नहीं देंगे, भाई किस लिए चुने गए आप, जनता ने इसलिए चुना था कि जनता को जनता के हाल पर छोड़ दो, इस तरीके से सभी स्टेट में है भी इतनी पर्याप्त मात्रा में पुलिस नहीं होती तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस होती है, जहां आपके पास अभी राज्य की पुलिस नहीं है तो आप केंद्र से मदद मांग सकते हैं, वहां से सेंट्रल फोर्सेस आ जाती है, पीएससी है, सीआरपीएफ है, मिलिट्री है, बहुत सारी फोर्सेज है, लेकिन बात इच्छा शक्ति की है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति वहां जो भी शोभा यात्रा निकल रही थी उसकी सुरक्षा को प्रायोरिटी दी जाती तो मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह की घटना को इतना आसानी से अंजाम दिया जा सकता था, कहीं ना कहीं फेलियर है सरकार का, और खट्टर साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन हाथ खड़े कर देने से नहीं होता है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप हर व्यक्ति के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, और राज्य सरकार अगर उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकती तो रिजाइन कर देना चाहिए, कोई दूसरा आएगा, किसी दूसरे को मौका दे, भाई मैं डिबेट नहीं कर सकता, किसी दूसरे को मौका दिया जाए, ये तो एक जनरल सी बात है ना, बिल्कुल, हिंसा वहां हुई है उसे नकारा नहीं जा सकता, और जिस तरीके से वो तो ठीक है देर आए दुरुस्त आए, लास्ट में जो लोग मंदिर में फंसे हुए थे उन पर जिस तरीके से पत्थर बरसाए जा रहे थे, गोलियां चल रही थी, अगर पुलिस प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बनकर देखता रहता तो वहां बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, एक तरफ मंदिर में लोग शरण लिए हुए थे, बाहर गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी और पहाड़ियों से पत्थर और गोलियां बरसाई जा रही थी, वो जो मंजर था हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वहां जो लोग थे कई रिपोर्टर भी थे उसमें, वो अपनी जान हथेली पर लेकर वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो ये जो चीजें हैं इनकी जितनी निंदा की जाए, घोर निंदा की जाए उतनी कम है, और फिर यही कहूंगा चिन्हित किया जाना चाहिए कि भाई कौन था, कौन कौन दंगे में शामिल था, और उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए, एक्शन भी इस तरह का हो कि दोबारा कोई हिम्मत न कर बिल्कुल, पाए, एक्शन ऐसा हो कि नजीर बने जो आगे कभी कोई सोच ना पाए। अशोक जी आवाज मिल रही है सर? जी जी मिल रही है। अशोक जी आपने कहा कि 2024 के चुनाव को देखते हुए दंगे ये हो रहे हैं और सब ये दंगे एक तरीके से कराए जा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं जब अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब भी मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। देखिए
सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो या तो सत्ता बचाने के लिए या सत्ता हासिल करने के लिए दोनों काम करने के लिए दंगे करवाती है। आज यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप अगर किसी चोर को तिजोरी की चाबी दे देंगे तो इतना मर्यादा रखेगा कि वो उससे चाबी लगा के चोरी नहीं करेगा, क्योंकि सारे इल्जाम उसी पे आ जाएंगे। तो वही कमोबेश स्थिति उत्तर प्रदेश में। नहीं, मेरा सवाल सर आपसे था ना, आप सरकार का सवाल उठा रहे हैं कि दंगे इसलिए हुए कि इलेक्शन है 2024 के। आपकी सरकार में मुजफ्फरनगर के बहुत बड़े दंगे हुए थे सर, वो किस आधार पर हुए थे जरा ये बताइए। वो दंगे मुजफ्फरनगर के दंगे भाजपा ने करवाए थे। अच्छा, सरकार आपकी थी, दंगे भाजपा ने करवाए थे। बिल्कुल, मैं पहले ही बोल दिया था, या तो ये सत्ता पानी के लिए दंगे करवाते हैं या सत्ता में बने रहने के लिए दंगे करवाते हैं। तो आपका आपका सिस्टम कहाँ था, कैसे दंगे हो गए? अभी आप लोग सवाल उठा रहे हैं हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर पर, पुलिस पर, सुरक्षा पर, तो सरकार आपकी थी, तो उस समय ये माना जाए कहीं ना कहीं आपका लचर रवैया था। देखिए, वहां पे जो दंगे हुए, सरकार हमारी सरकार थी, बड़े सख्ती से उसपे एक्शन हुआ सर। कोई एक्शन नहीं हुआ था, दंगे मैंने कवरेज किए थे सर। देखिए, त्वरित कार्रवाई करते हुए दंगे को खत्म कराया गया, दंगे को जो नहीं सर, जब आपकी सरकार में कोई दंगे होते हैं तो उसको आप नया रूप दे देते हैं, और जब कोई बीजेपी कराए तो आप कहते हैं कि 2024 के लिए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना अशोक जी। सुनील जी, देखिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि दंगों से फायदा किस दल को होता है। दंगों से फायदा जिस दल को होता है वही दल दंगे के पीछे उसकी साजिश रहती है। सीधी मैं समझ में नहीं आता, मुझे समझ में, ये जवाब दे दीजिए, जब सरकार आपकी है, आप सारा लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, तो दंगे कैसे हो गए फिर? अभी आप कह रहे हैं ना कि खट्टर सरकार की जिम्मेदारी है, ये मानना पड़ेगा कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नहीं थी, तो ये मानना पड़ेगा कि आपकी सरकार की उससे लापरवाही होगी। जब सवाल आप दूसरों पे उठा रहे हैं तो प्रश्न आप पर भी तो आएंगे ना सर। सुनील जी, दोनों राज्यों में मूलभूत अंतर है। जो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के दंगे थे वो भारतीय जनता पार्टी करवा करके हमारी सरकार को अनस्टेबल करना चाहती थी, हमारी सरकार को बदनाम करना चाहती थी, इसलिए दंगा करवाया। मतलब सरकार... जो सुनिए, जो हरियाणा में दंगे हो रहे हैं, ये दंगे 2024 के चुनाव को लेकर के हो रहे हैं, ताकि इस पूरे देश में एक सांप्रदायिक दंगा धीरे 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 पूरे देश को मणिपुर की तर्ज पे जलाया जाए, दहलाया जाए, धमकाया जाए, ताकि वहां पे धार्मिक आधार पे ध्रुवीकरण हो और माननीय मोदी जी के 9 साल के सारे जो उन्होंने फेल्योर उनका है उसको छुपा दिया जाए। पंकज जी, ये सारी चीजें जो है ये इसको जनता देख रही है। जनता भी सवाल पूछती है कि आज भूखा पेट जनता का, आज जनता की जेब में पैसे नहीं है, आज जनता बेरोजगार है, आज जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन जनता का ब्रेन वॉश करने के लिए जनता को बिल्कुल एक दंगे की आग में झोंका जा रहा है, ताकि जनता का ब्रेन वॉश हो, जनता सब कुछ भूल के वोटिंग करे। ये सिर्फ एक, इसके पीछे यही एक साजिश है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आपके पंकज जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? पंकज जी, आवाज मिल रही है सर? मिल रही है, बोलिए। मैंने सवाल किया था अशोक जी से, मैंने कहा कि आप दंगों पर सवाल उठा रहे हैं कि हरियाणा में दंगे हुए, तो आप कह रहे हैं कि ये खुद कराए गए हैं 2024 के चुनाव को लेकर। मैंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, तो उनका ये कहना है कि वो बीजेपी वालों ने कराए थे। मैंने कि सरकार आपकी थी तो जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए ना, कि लॉ एंड ऑर्डर आपका कहीं ना कहीं था, तो तमाम कहीं भी दंगे हो वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चौहान साहब, ये लोग, मैंने पहली कहा कि इनकी पार्टियां, ये पार्टियां जो है इनकी गिर चुकी हैं, इनके जमीर गिर चुके हैं इनकी पार्टियों के। ये लोग आज हर चीज को हम पे थोप रहे, अब ये सारे इकट्ठे हुए हैं, क्या ये चाहते हैं कि एक शेर का शिकार कर लेंगे मिलकर? आज तक इनसे ये नहीं हुआ कि इनका पीएम कौन बनेगा। दूसरी बात, इन जो ये बैठे, इन्होंने अतीक अहमद को किसने दिए, क्या नाम है, टिकट किसने दिया? मुख्तार अंसारी को टिकट किसने दिया? ये आज जनता जनता बेरोजगार नहीं है, आज बेरोजगार ये हैं। ये चाहते हैं हम आ जाएं तो हमारा रोजगार फिर चालू हो जाएगा। ये बेरोजगार जनता का कतई नहीं है, ये लोग बैठे, इन्होंने पूरे जीवन खाया है जनता का, और जनता अभी ने जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। ऐसी है कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने भी पूरे 70 साल देश को खाया है, देश ने देख लिया, आज मुंह उठा के आ गए। अब इनकी पार्टी में रहा कौन है आप देखो तो सही। एक बात बताओ मुझे, क्या नाम है, मोदी जी कहाँ के पड़े हुए हैं? हिंदुस्तान के
योगी जी का के पढ़े हुए हिंदुस्तान के, इनका राहुल गांधी पढ़ के आता है, क्या नाम है, ऑक्सफोर्ड में, ये कैसे जानेंगे देश की परिस्थिति क्या है, कैसे जानेंगे? अखिलेश यादव वो बाहर से पढ़ के आते हैं, इन्हें क्या पता कि ग्राउंड से कैसे होता है, इन्हें कुछ पता नहीं है। तो ये लोग तो सवाल उठा रहे हैं सर, ये विपक्ष लगातार आपके सवाल उठा रहा है कि देश इन्हें तो ये आता है ना सवाल उठाना, इन्हें तो सवाल उठाना, अब इन्हें कोई काम तो है नहीं, वो समाजवादी पार्टी तो बेरोजगार हो गई, जो लोग विदेशों में पढ़ने जाते हैं वो बेवकूफ हैं क्या? बिल्कुल बेवकूफ माँ बाप जी, मैं माँ बाप कितना पैसा खर्च करके विदेशों में पढ़ा, आदरणीय जी जो जमीन को ना देख सके मैं उसे बेवकूफ मानता हूँ, जो जमीनी हकीकत को ना देख सके। लेकिन सर सवाल यही उठाया जा रहा है त्यागी जी, सवाल यही उठाया जा रहा है कि देश में जिस प्रकार से हालात है हरियाणा को लेकर, देखिए सर ये मानना पड़ेगा त्यागी जी, ये मानना पड़ेगा हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी थी, नहीं गलत हुआ है और मुझे इससे कष्ट है, लेकिन इसके पीछे ये कांग्रेस ही छुपे हुए हैं, इनके चेहरे निकल के आएंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे? सवाल यही बात निकल कर आया कि अगर लोग पहले से इकट्ठे हो गए, लाठियां डंडा पहले से इकट्ठे हो रहे थे, वीडियो वायरल हो रहे थे ये सारी, तो फिर सरकार ने पहले से तैयारियां क्यों नहीं की? सवाल इस बात का है सर, देखिए कितनी जगह से रथ यात्रा निकाली जाती है, कितनी जगह से रथ यात्रा निकाली जाती है, कुछ दंगे होते हैं यूपी में, आप कितनी जगह देख लीजिए यूपी में कांवड़ यात्रा कितनी भव्य निकालेगी, कोई दंगे हुए, सिस्टम बहुत टाइट था, ये मानना पड़ेगा सर हरियाणा सरकार का सिस्टम लचर रवैया था। वो तो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को योगी जी से सीखना चाहिए, ये तो मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इन्हें ये पता था LIU तो ये पहले क्यों ही नहीं आए, पहले कॉन्फ्रेंस करते बैठ के कि वहां लड़ाई होने वाली है, दंगा होने वाला है वहां पर नू में, क्यों नहीं आए सामने? जब इन्हें इतना पता था पहले से ही कि लड़ाई होगी झगड़े होंगे तो ये आए क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, आपके चैनल पे क्यों नहीं आए कि मुझे लीजिए मुझे बताना है कि देश में क्या होने वाला है, क्या नाम है हरियाणा में क्या होने वाला है, आइए कहीं नहीं आए। आज ये जिहादियों को अपनी गोद में बैठाते हैं, दामाद बनाते हैं उनको और फिर उनसे ये सब दंग मचवाते हैं और इनका कोई वजूद नहीं है। ठीक है ठीक है दोनों पार्टी, ठीक है ठीक है। अनिल जी जल्दी से अपनी बात रखिए सर। देखिए जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ही दंगा फैलाते हैं, कांग्रेस का इतिहास दंगा फैलाने का नहीं, दंगा को शांति करा, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से इतिहास रहा है महात्मा गांधी विदेश में पढ़े, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब विदेश में पढ़े, क्या ये सारे लोग बेवकूफ थे? और लोग भी तमाम विदेशों में पढ़कर आए, सारे बेवकूफ। ठीक है ठीक है, ठीक है सर, मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी से सर 10 सेकंड में जल्दी से अपनी बात खत्म करूंगा। लाइन ऑर्डर जब फेल हो जाता है, सरकार की सारी व्यवस्था फेल हो जाती है, मुख्यमंत्री अपने आप में जिम्मेदारी लेते हैं कि हम पूरी व्यवस्था में संभाल सकते हैं, छोटी सी यात्रा लेकर जहाँ पूरे 2,80,00,000 को व्यवस्था नहीं संभाल सकते, आप भी समझते हैं, आप भी समझते हैं एक मुख्यमंत्री पुलिस व्यवस्था पूरे क्षेत्र में। ठीक है अनिल जी, ठीक है उपाध्याय साहब, जल्दी से अपने कमेंट दीजिए सर, फाइनल कमेंट। ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है उपाध्याय जी, जल्दी समय नहीं मेरे पास सर। जाती दंगा हो लेकिन हो जाता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और होता कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ कि ये प्रशासन का फेलियर होता है। अगर पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अगर मुस्तैद रहेगा तो मैं नहीं समझता हूं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी, और अगर सिक्योरिटी बीच होती है, टूट जाता है सिक्योरिटी का सिस्टम, तो इस तरह के दंगे देखने को मिलते हैं। और वही हरियाणा में हुआ कि पुलिस फोर्स, मुझे तो कोई ये तक बता रहा था, मंदिर में था वो शरण लिए हुए, कह रहे हैं जी वहां 100 की ड्यूटी थी और 4 पुलिस वाले दिख रहे थे, 96 भाग गए थे। ये जो फेलियर है, शासन प्रशासन का फेलियर है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन बात वही आती है कि भी उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा। शासन प्रशासन के खिलाफ एक्शन केंद्र ले सकता है, केंद्र स्वतः संज्ञान ले, या फिर कोर्ट होता है, इसके अलावा तो और कोई होता नहीं है।
या तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके वहां सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करे या फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका, पंकज जी आपका और उपाध्याय सर आपका और हमारे अगले मेहमान आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का निकल कर आ रहा है कि दंगों जो दंगा करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, जो दंगा करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम वहां पर लचर था। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2.70 करोड़ आबादी है, अब 2.70 या 80 लाख आबादी हमारी पुलिस कितनी है।